अरे मुंबई के ऐसन बाकी रीतिया न हो माया नगरी कहा खोलो गवन के ई है मुंबई आधार छोट बड़ा सपाही के छोट बड़ा सपाही के रोजी रोजगार मुंबई हिंदुस्तान का आर्थिक राजधानी, जहां हर हाथ के काम मिलेला, बसरते उ मेहनती होखे के चाही। कहल जाला मुंबई कबो सुते लेना ही, कबो रुके लेना ही, कबो थके लेना ही। लेकिन ए भैया, 26 जुलाई दिन मंगलवार के मुंबई रुक भी गइल, थक भी गइल। कुदरत का ऐसन कहर टूटल कि देश का सारी मिलिट्री, टैंक, जहाज, नेता, अभिनेता, बड़े बड़े महारथी सब लाचार हो गए ना ये भैया। देखते देखत हजारों परिवार उजड़ गए। कृणाल म्यूजिक कंपनी पीड़ित परिवार के प्रति दुख एवं संवेदना व्यक्त करती है और प्रस्तुत करती है मुसीबत में मुंबई नामक शीर्षक से विरहा की दुख भरी VCD। आज तकनीक में यूं तरक्की हुई, सारी दुनिया का मंजर बदलने लगा। बेखबर हो के ईश्वर के अस्तित्व से आज इंसान खुश हो उछलने लगा। जबकि अपने पे कुदरत यमादा हुई, मौत को देख कर जिंदगी थम गई। इस कदर भारी बारिश ने ढाया कहर, हो के बेवस बिलखने लगी मुंबई। अच्छा भैया,
आज जौन बाकी आज के कुछ दिन पहले ये मुंबई जैसी महानगरी में बारिश का इतना बड़ा प्रकोप चढ़ल कि प्रकोप के देखते हुए कितना लोगन का नाश विनाश हो गल। कवि जी भाव दहलन अंदाज गीत के उहे बाप आदमी चांद पर भी आदमी चांद पर भी सफर कर रहा मौत पर जोरी लेकिन किसी का नहीं पर जोरी लेकिन किसी का नहीं। लोग मरते कहीं पर जमी हिल रही लोग मरते कहीं पर जमी हिल रही काल बन कर उफनता समंदर कहीं कहते हैं कि इस समय विज्ञान सबसे आगे हो गया है। विज्ञान को लोग लेकर के लोग चल रहे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन आज विज्ञान भी कुदरत के आगे फेल है। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया कि इंसान चांद तक पहुंचने की कोशिश किया, पहुंच गया, चांद पर भी पहुंच गया। लोग आज के जमाने में भगवान को मानना भूल गए, लेकिन इसीलिए कहना है नजर जो आ रहा कलिकाल की झांकी है नमूना है अभी आगे बहुत बाकी है। खड़ा है आज विश्व मौत के मुहाने पर तुला इंसान ही इंसानियत मिटाने पर। बना के बम यहाँ कुछ लोग बहुत भूल रहे प्रकृति की शक्ति को सब लोग जैसे भूल रहे। यहाँ कत्ल को भी जेहाद कहा करते हैं लोग मरते हैं वो छुप छुप के रहा करते हैं। विमानों की टक्कर से हिल गया था अमरीका किया जेहादियों ने उसका भी असर फीका। मचाए मौत का तांडव कभी भूकंप यही भला सुना निका कहर किसे है याद नहीं। यही बारिश ने मुंबई पे कहर ढाया है यही बारिश ने मुंबई पे कहर ढाया है प्रलय की झांकी दुनिया वालों को दिखाया है। आज लोग बताते हैं कि विज्ञान सबसे आगे है, विज्ञान के चलते इंसान चांद तक पहुंच गया, लेकिन आज मौत को अपने कब्जे में करना इंसान के बस के बाहर की चीज है मेरे दोस्तों। आज विज्ञान के चलते लोग भगवान को भूल गए। यही से कहना बाप आज जौन भाई बंबई जैसी महानगरी में अपने गांव को छोड़ छोड़ के लोग दूर दराज से इस बंबई जैसे शहर में आते हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, पेट भरने के लिए, कमाने के लिए। लेकिन आज इसी बंबई जैसी महानगरी में जब लोग अपने गांव को छोड़ के चले किसके लिए, पेट के लिए। अगर पेट नहीं होता तो लोग दर दर भटकते नहीं, कहीं दूसरे देश में जाते नहीं, अपने ही गाँव घर में रह जाते। इसीलिए कवि जी ने एक भाव दिया है से हमार कहना बाब ये पेट के चलते के अपने गांव देसवा छोड़ावे मोरे भैया चाहे जवन पेटवा करावे मोरे भैया चाहे जवन पेटवा करावे मोरे भैया चाहे जवन पेटवा करावे
लोग अपने गांव और देश को छोड़ करके दूसरे देशों में चले जाते हैं, मुंबई जैसी महानगरी में आते हैं, लोग विदेश तक पहुंच गए अपने गांव को छोड़ करके। इसीलिए कभी एक लाइन लिखे क्या, जाई बसे लोग यहां से त्रिनिदाद में, सात गो समंदर पार गईले यू जहाज में, अपने देश के छोड़ला के बाद लोग विदेश में भी जाके बस गए लोग, लेकिन फिर भी अपने देश को लोगों ने भुलाया नहीं, अपने देश में आना पड़ा। इसीलिए कहना है, याद सबके देशावा के आवे मोरे भैया, याद सबके देशावा के आवे मोरे भैया, चाहे जवन पेटवा करावे मोरे भैया, चाहे जवन पेटवा करावे मोरे भैया, चाहे जवन पेटवा करावे मोरे, चाहे जवन पेटवा करावे मोरे, चाहे जवन पेटवा करावे मोरे भैया, चाहे जवन पेटवा करावे। पहले ही बता दे ली कि अपना देश ही नहीं विदेश तक भी लोग जाकर के फैले हुए हैं अपने देश के लोग, लेकिन ये मुंबई में जब लोग आए हुए तो मुंबई शहर कैसा है, तो मुंबई घिरल पनिया में चारों ओर से, दरिया में उफन लहरिया जोर जोर से, अपन गांव घर छोड़ के लोग जब बम्बई में आ गए तो कहां रहलन लोग, अरे झोपड़ी पहाड़ पे बनावे मोरे भैया, तो झोपड़ी पहाड़ पे बनावे मोरे भैया, चाहे जवन पेटवा करावे मोरे भैया, चाहे जवन चलते अपने रोजी रोजगार के लिए लोग मुंबई जैसे महानगरी में इलन, लेकिन ये माया का नगरी कैसन बा, कैसे सबके लोगन के जौन बा की इकट्ठा करके अपने रखे ल पास, हर एक देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हर एक जात के लोग आते हैं, हर एक धर्म के लोग आते हैं, लेकिन कहना बा कवि जी भाव दिए, कहना बा भैया, अरे मुंबई के यही सन बाकी रीतिया न हो माया नगरी कहा, सब से पीरी पिया न हो माया नगरी कहा, लाखों लोगवन के ही है मुंबई
की रोजगार से अपने गांव गिराव को छोड़ करके लोग बंबई जैसी महानगरी में रोजी रोजगार के लिए आ गए। बंबई ऐसन महानगरी बा, ऐसन अपन बंबा देवी कई धरती बा कि जहां पर दिन रात समान दिखाई देला। लेकिन जब बंबई में बरसात के जब कहर धागल ओ समय का भाव कवि जी लिख दलन, एगो लाइन लगेल मास्टर। भैया बारिश की रात की बात कभी लिखे क्या, तो कोई बूंद बूंद के तरसी रहल, कोई बूंद बूंद के तरसी रहल, कोई डूबी रहल बा पानी खलबा सच हो गवा। अरे तीन गुंडा है बस आग पानी हवा, पहिल पानी बैरी जीवन के पहिल पानी, सब लोग फंसे परेशानी में, दुखई दुख बात कहानी में, सन नजर लग गईल उवार कवन रहल भाव कवि जी दिए, केवार मंगल यो 26 जुलाई रहल, अरे माया नगरी के ऊपर हो बादल फटल, लोकल बस रिक्शा बंद पड़े, लोकल बस रिक्शा बंद पड़े, सूझे ना पूछो हलतानी दे, दुखई दुख बात कहानी दे। की रात जो कि काली रात बन करके आई मेरे दोस्तों, 26 जुलाई का दिन बताया गया।
बरसात का इतना तेज कहर इस मुंबई जैसी महानगरी में हुआ कि लोग अपने ड्यूटी रोजी रोजगार पे गए थे, जो जहां रहा वहीं पर फंसा रह गया। इसीलिए कवि जी को भाव देने बारिश के देख करके ये मुंबई जैसी महानगरी के सब लोग डर गए। कहना है कवि जी भाव दिए, ओ काली रात देख करके लोग डेरे लंत कहे के भल, कवि जी के लिखे के भल कि बहुत डेरावन लागे है लहर लहरिया डगरिया में ना, अरे डगरिया में ना कुछ हो आवे ना नजरिया, डगरिया में तनन के लड़का परानी वही गई लिहल चाहे सब अपने घर के खबरिया डगरिया में नाम, अरे लिहल चाहे सब अपने घर के खबरिया डगरिया में ना घेरे घर के फिकरिया डगरिया में बरसात के इतना बड़ा कहर इस मुंबई जैसी महानगरी में कि लोग अपने जहां जहां काम पे गेलन जहां जे फसल वही फसल रह गल बाबूजी। लेकिन जो है लोग कोई मोबाइल लिया है तो कोई टेलीफोन पे जाकर के काउंटर से अपने घरे का हाल चाल खबर ले बदे फोन कर दवा। लेकिन ऐसा कुदरत का खेला हुआ क्या कि बंद हो गए सबके फोन मोबाइल, मुंबई पे जैसे बदरवा खुशिया आई, मुंबई पे जैसे बदरवा खुशिया आई, मुंबई पे जैसे बदरवा खुशिया आई, अरे बिजली कटल तबले भइल बायन हरिया डगरिया में ना, अरे डगरिया में ना लागे देखी देखी डरिया डगरिया में ना, लागे देखी देखी डरिया डगरिया में ना, लागे देखी देखी डरिया डगरिया में ना हो, डगरिया में ना हो रामी डगरिया में ना, लागे देखी देखी डरिया डगरिया आखिरकार में बिजली भी कट गई, टेलीफोन भी बंद हो गल, कितना जने का मोबाइल बंद हो गई, सब लोग जोन बाकी अपन परेशान होन अपने घर का हाल चाल खबर लेवे बदे। बिजली तो ए बदे काटल गई कि अगर बिजली ना ही काटल गई हो, इतना पानी भरल हल कि आखिरकार में वो पानी में बिजली उतर जात तो पता नहीं और कितना लोगन का जान चल जात बाबू जी। ऐसे जोन बाकी बिजली के काटे गए भइल, लेकिन लोग अफरा तफरी में मचल हुन, कोई अपने घर का संदेश खबर ना ही पावत बाटन लोग। अगल बगल के लोग जहां जेकरे घर के तरफ निचान रहल जहां पानी भरत बा, वहां पर अगल बगल के लोग जोन बाकी अपने जान के जोखिम में डाल करके लोगन के बचावे के कोशिश कैलन। कितना लोगन के घर में इतना पानी भर गई कि पतरा खोल करके परिवार वालन के बाहर निकाले के भइल भैया। आखिरकार में सबके लोगन के निकाल निकाल करके अगल बगल के लोग मदद करके
आप आखिरकार में वो समय मानवता का रिश्ता लोग निभा करके मेरे भैया सुरक्षित स्थान पर पहुंचावे के कोशिश कैलन, लेकिन भैल का कवि जी भाव देलन ओ समय जन बा लोग घबरात हुअन। भाग सब जिंदगी बचाई, भाग सब जिंदगी बचाई, दुरवान लागे मोर भाई, भाग सब जिंदगी बचाई, दुरवान लागे मोर भाई, भाग सब चीखे सब लोग लुगाई, चीखे सब लोग लुगाई, जुरवान लागे मोर भाई, भाग सब जिन में पानी का बढ़ाव बढ़त गल बाबूजी घरे में जब लोगन के पानी जब घुसत गल ओ समय लोग जोन बा कैलन का के घरवा में घुस आयल गल वाले पनिया करे घरवा में घुस आयल गरवाल पनिया कर सब प्रभु जी के आ घरवा में घुस आयल गरवा में पनिया कर सब प्रभु जी के आ घरवा में घुस आयल भई गरवाल पनिया कर सब प्रभु अरे लागा प्रभु दुखी में सहाई, अरे लागा प्रभु दुखी में सहाई, जोरवान लागे मोर भाई, लागे प्रभु दुखा में सहाई, जोरवान लागे मोर भाई, अरे लागे प्रभु पानी घुसला से लोग परेशान हुन भगवान की प्रार्थना करत हुन बार बार भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हुन कि हे भगवान अब बहुत आप जोन बाकी इतना पानी बरसौला भला आपसे बंद हो जा। नर नारी सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, लेकिन उसी दरमियान एगो घटना घट गई। का घटल बाबू जी खिस कल पहाड़ी साकी नाका दरमियनवा गैले कई लोग दबाए खिस कल पहाड़ी साकी नाका दरमियनवा गैले कई लोग मिलल भैली जब खोदाई अरे लाश मिलल भैली जब खोदाई जोरवान लागे मोर भाई सब जिंदगी बचाई जोरवान लागे मोर भाई भाग सब जिंदगी बचाई जोरवान लागे मोर भाई भाग सब जिंदगी बचाई जोरवान लागे मोर भाई। पूरा बंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जोन बा
पानी भरल बा, वही में सब लोग अपने अफरा तफरी में अपन जिंदगी जान बचावे के कोशिश में पड़ल बा। तब तक जौन बा कि साकी नाका में 3 नंबर खाड़ी से चट्टान खिसक गई, एक पहाड़ी खिसक गई और उनमें सैकड़ों लोग बिचारे मारे गए। लेकिन कभी जी भाव दिए आज जौन बाकी जब वो पहाड़ी खिसके का खबर जब मिलल कि सैकड़ों लोग मारे गए लन, तब जौन बाकी यहाँ के जितनी पब्लिक रहल इस मुंबई शहर की पब्लिक जितना बा हाथ जोड़ कर भगवान से एक भीख मांगत बा। का मांगत बा कभी जी? टेरी का भाव लिखलन मास्टर के कुदरत के आगे जोर ना कोई, अरे कुदरत के आगे जोर हो, कुदरत के आगे जोर ना कोई, बेवस हुई मुंबई भीख प्राण की मांगे। बेवस हुई मुंबई भीख प्राण की मांगे, कुदरत के आगे जोर ना कोई, बेवस हुई मुंबई भीख प्राण की मांगे, कुदरत के आगे जोर ना कोई। इस भगवान की अजब लीला के आगे किसी का कोई जोर काम नहीं कर रहा है मेरे दोस्तों। लेकिन भैल का यही से कवि जी भाव दिखलन कि बाहरे मुंबई के भाग लागल दरिया में आग, कि बाहरे मुंबई के भाग लागल दरिया में आग, सब बीतौले जाग जाग भैया रात सगरी, तो बॉम्बे हाई दरम्यान गईली 12 जन के जान, तो 350 जवान अल मौत से लड़ी, तो अफवाह फैलल भारी अब सुनानी के हो बारी, गईले भगदर में मारी रहल गली सकरी, केहू के अखिया के तारा, केहू के अखिया के तारा, मरल दब के दुलारा, भैले लोग बेसहारा तरफ माया नगरी, तरफ जोन बाकी मुंबई में जोन बा आफत आइल बरसात के, दूसरी तरफ जोन बाकी मुंबई के दरिया में जोन बाकी बहुत बड़ा आग लग गई। बॉम्बे हाई दरमियान बाबूजी जब आग लगी है ओ में जोन बाकी 12 जवान मारे गए, जोन की 12 जवान मारे गए, 350 जवान के हेलीकॉप्टर के द्वारा बचावे का कार्य करल गई, लोग राहत कार्य करके 350 जवानों को बॉम्बे हाई के दरमियान बचा लिए। लेकिन वही के दूसरे दिन यहाँ बरसात का पानी कुछ कम भइल बा, तब तक इतना बड़ा अफवाह फैलल, इतना बड़ा लहर फैलल कि आग की तरह पूरे बंबई के चारों तरफ कोने कोने पर फैल गई कि अब इस बार की रात में जो है बुधवार की रात में लोग बताए, मंगलवार की रात में तो बाढ़ का पानी है लेकिन बुधवार की रात में लोग बताए कि बहुत बड़ा सुनामी लहर उठ रहा है जो कि बड़ा तेज ही तूफान आने वाला है। लोग ये बात के सुन करके अपने घर द्वार छोड़ करके लोग मेहरालू लड़कन के लेकर के बारिश के डर से लोग भागे के तैयार के रन भागत हुन गली गली में से लोग भागने लगे। उसी बीच में सकरी गली में कुछ लोग दबा करके कितने औरत कितने बच्चे बेचारे मर गए मेरे दोस्तों। लेकिन भैल का कवि जी भाव दिए कहना बाब ई तो जोन बाकी दर्दनाक घटना भइल, लेकिन वो बारिश के कहर में और काका भइल। कवि जी भाव दिए के फूटा भइल यम के फसरी, अरे खूटा भइल यम के फसरी, बजर भइली गरवा के रसरी, बजर भइली गरवा के रसरी, इंसान तो इंसान लेकिन ये बारिश जोन भाई भगवान पता नहीं कहा चहलन, इंसान तो इंसान लेकिन कितने जानवर बिचारे इस बारिश में मारे गए। यही से कवि जी भाव दिए का के खूटा भइल यम के फसरी, बजर भइली गरवा के रसरी, बजर भइली गरवा के रसरी, बजर भइली गरवा के
पानी घुसल, लेकिन जो रोजगार के लिए लोग तबेला जोन बांध के रखले हुन ओकरे बदे कवि लिखन का आइले तबेला वन में यू फनती के पनिया। हरली भैंस करके जोरवा जतनिया, तबेलावन में यू फनती के पनिया, हरली भैंस कई के चोरवा जतनिया, घूमे मऊतिया के चकरी, अरे घूमे मऊतिया के चकरी, बजर भैली गरवा के रसरी, बजर भैली गरवा के रसरी, इंसान तो इंसान, सबके घर में पानी घुसल बाप, लेकिन आज जोन बाकी जितने उद्योग धंधा में जो लोग लगे हुए तबेले के व्यापारी लोग, आज वो लोगन के तबेला में ये बरसात का पानी जब घुसल बा, जो कि मूक जानवर जो बोल ना पावत रहलिन, वो तबेला में जब पानी घुसल, जोर मार करके दीवार तोड़ कर जब पानी घुसल बा, तो उस समय जो बाकी बचाव कार्य में लोग वो भाई सिंह के छोड़ ना पौलन, जो खूटा में बदल की बदले रह गईलिन। यही से कभी जी एक लाइन लिखलन का पनिया में तजली तड़फ के परनावा, अरे सिहर करे जवायो पर से नयनावा, में बांधल लगेलिन, जो खूटा में बांधल लगी बिचारी छूट ना पोलिन, तो कवि जी भाव दिए ही से का लिखलन पनिया में तजली तड़पी के परनवा, सिहर कर जवायो पर से नयनवा, टूटल गोसैया के पजरी, अरे टूटल गोसैया के पजरी, बजर भैली गरवा के रसोई, बजर भैली में बिचारी वो मूक जानवर जो है आ तड़प तड़प करके अपन प्राण जोन बाकी खूटा पर ही अपने गोसैया के जमीन पर ही जोन बाकी अपने प्राण के त्याग देहलिन बाबूजी। लेकिन भैल का कवि जी भाव दिए आज जोन बा जब वहां पर बिचारी वो सब खूटा पे बांधल बलन, आज वो गरक रसरी जोन बाकी आज फांसी का फंदा बन गए जानवरन के, बिचारी कितनी भैंसे मर गई आज देख करके उन समन के हालत के, आंख से आंसू लोगन के गिरत बा, जोन गोसैया जे के पाल के पोस के तना सज के रखले रहलन, आज पूरा जोन बाकी वो गोसैया का जोन बा हाल पजरी मालूम पड़त बा, उनका पूरा टूट गई मेरे दोस्तों। यही से कभी जी भाव दिए कि आज ये दुई दिन के बरसात कितनी तबाह मचा दे बा, इसीलिए कहना बा गीत पहवट में लगिल मास्टर, अरे दुइया दिन में भैली बड़ी तबाही माया नगरी में, बदरा जैसे बनल मौत के स्याही माया नगरी में, बदरा जैसे बनल मौत के स्याही माया नगरी में, बदरा जैसे बनल मौत के स्याही माया, बदरा जैसे बनल मौत के स्याही, बदरा जैसे बनल मौत के स्याही माया नगरी, माया नगरी में, बदरा जैसे बनल मौत के स्याही माया नगरी में, बदरा जैसे बनल मौत के स्याही माया नगरी में। तो गए हजारों जान हुई है अरबों की बर्बादी हो, सारे महाराष्ट्र में कुदरत कैले बारंगबाजी हो, चारों ओर से रुक गए आवाजाही माया नगरी में, तो चारों ओर से रुक गए आवाजाही माया नगरी में, बहुत भयल हरी अपना पानी चाही माया नगरी में, चाहिए बहुत भैर हरी अपना।
आखिरकार में सारी पब्लिक त्रा त्रा करे लगल, हाथ जोड़कर सब भगवान से प्रार्थना कर, भगवान अब बहुत हो गल पानी, अब से भला बंद हो जा। लेकिन भैल का आखिरी बोल में कवि जी लिखलन, का लिखलन कि हवा आगी पानी के सबसे भारी गुंडई, तो हवा आग पानी के सबसे भारी गुंडई, ऐसन हो गईली हालतिया डेराइल मुंबई, ऐसन हो गईली हालतिया डेराइल मुंबई, ऐसन हो गईली हालतिया डेराइल मुंबई, हो डेराइल मुंबई, हो डेराइल मुंबई, हो डेराइल मुंबई, ऐसन हो गईली हालतिया डेराइल मुंबई, ऐसन हो गईली हालतिया डेराइल मुंबई। तो जीवन दान केहू के दिहलस बन के केहू फरिश्ता, जीवन दान केहू के दिहलस बन के केहू फरिश्ता, जाति और मजहब के नाई मानवता के रिश्ता, भूली नाई काली रतिया डेराइल मुंबई, जात पात को भुला करके एक मानवता का रिश्ता कायम करके लोग अपने अगल बगल वालों की जान बचाने में जुट गए मेरे दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, कभी जी भाव दिए, कोई कोई ऐसन भी देखे के मिलल कि अपनी जान गवा बैठा दूजे को बचाने वाला, कोई अपनी जान गवा बैठा दूजे को बचाने वाला, भारत मेरा महान भैया झूठ है नहीं कहाला, तब ही भीबा कौनो बतिया डेरायल मुंबई, अब ही भीबा कौनो बतिया। ऐसे में लोग कहलन भैया आखिरकार में पुलिस जोन बा कि खराब होलिन, लेकिन हर एक पुलिस खराब नहीं होती, हर एक पुलिस बदनाम नहीं होले। आज जोन बा एक पुलिस का जवान जेकर नाम प्रदीप निम्बालकर करके बतावल गई, आज वही बारिश के तबाही में जहां पर देखलन अपने ड्यूटी से छूट करके अपने घर पर जात रहलन, उस समय घरे की तरफ जब जात हुन देखलन कि एक दो जवान बह के पानी की धारा में जात हुन, नौजवानों पुलिस का दौड़ करके आखिरकार में दो जन की जान बचाया, तब तक देख रहा है वो जवान के एक तीसरा भी मनुष्य कोई बहते हुए जा रहा है, जब तीसरा के पकड़े बदे जब वो गई जवान, तो आज वो तीसरा के बचावे में खुद भी अपने भी वही में बह के चल गई। आज ऐसे ऐसे हमारे देश में जवान जो कि दो को बचाया लेकिन खुद को अपनी जान गवा बैठा दूसरों को बचाने में, ऐसा मेरा देश है, ऐसा मेरा हिंदुस्तान है मेरे दोस्तों। आज जोन बाब दूर दराज से गांव से लोग हमन के उत्तर भारत से चल के आवेलन, बंबई जैसी महानगरी में आवा जाने वाले लोगों के बीच में जो रास्ता चलता है, जैसे कल्याण भल कल्याण से कासारा तक के बीच में 800 मीटर की दूरी तक रेल का पटरी उखड़ करके ये बारिश के तबाही में जोन बाकी कहां छिटा गई। आज रेल जोन बाकी रेल का आवे जाए का साधन बंद हो गई, दूर दराज से आवे वाली ट्रेनें वो रूट पर बंद हो गई। लेकिन आज 12 तारीख तक गीत लिखे जाए के पहले 12 तारीख तक का घोषणा भी लल कि 12 अगस्त तक जो कि दूर दराज से आने वाली कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी, और उकरे बाद कितना लोग जोन बाकी जे जहां के तहां रुकल तहां रुकल, कितना लोगन के बंबई से गांव जाए के टिकट रहल वो टिकट के लोगन के कैंसिल करे के भइल। टेलीविजन के समाचार द्वारा जब गांव गांव में खबर लोग जब सुनलन, सुनने के बाद अपने परिवार के लोगन के जानकारी ले बदे कि जे लोग बंबई में बसल हुन ओकरे बदे लोग आकर के फोन करत हुन, कहीं पर घंटी घनघनाई, लोग उठा करके हलो हलो करत हुन, थोड़ी सी बात भइल तो कहीं फोन फिर कट गल। आज जोन बा कोई चांद पर चल जात बा, कोई कहां चल जात बा, विज्ञान इतना आगे हो गई बा चांद पर जाकर के लोग कहत हुन कि हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, हम चांद पर जाकर के घर बसा लेंगे। हम कहती कि चांद पे जाके तू घर बसाला, चाहे बंगला बसाला, चाहे और भी कुछ बसाला, लेकिन जोने दिन भगवान चाल यन वो दिन तो के चांद पर से भी धरती पे गिरा के फेंक दियन। भगवान के आगे एक कुदरत के आगे केहू का जोर चले वाला नहीं बा, चाहे वो विज्ञान हो
चाहे कोई भी हो, इतना सब लोग टेक्निक में आगे हो गए लन, केव कंप्यूटर बना देत बा, केव कुछ बना देत बा, दुनिया के गाड़ी घोड़ा लोग बना देलन, लेकिन जब कुदरत के मर्जी घूम गई तो गाड़ी घोड़ा कंप्यूटर कंप्यूटर कूले बाढ़ में सबकर बह गल। मौसम विभाग जो है मेरे दोस्तों, जब यहाँ पर बरसात की कहर हुई, जब बारिश जब धुआंधार हो गई, घर घर में पानी घुस गल, त्राय त्राय लोग करे लगलन, तो तब तो उस समय मौसम विभाग ओकरे पहले कोई सूचना नहीं दिया कि इतना तेज बारिश होने वाली है या कुछ होने वाला बा। ओकरे दूसरे दिन बरसात थोड़ा कम भइल, मौसम विभाग वाला जानकारी दे दोन कि अपने अपने घर में बैठे रहिए, लोग घर से बाहर मत निकलिए, 48 घंटे बड़ी तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन उनका भी विज्ञान फेल हो गया। ओकरे दूसरे दिन भगवान खूब घाम कैलन, घाम कहला के बाद फिर जोन बाकी बारिश का कहर चालू हो गल। ये मौसम विभाग भी फेल हो जाता है। पारे हिंदुस्तान के ऐसे चोर जो कि साजिश रच दिए कि बहुत बड़ा सुनामी लहर आ रहा है, समुद्री तूफान उठ रहा है, लोग अपने घर द्वार को छोड़ करके बीवी बच्चों को लेकर के लोग भागना चालू कर दिए, उसमें चोरों की लगी। भैया ये तो हंसने की ही बात आप लोगों को लगेगी, कितने लोग तो हंसते होंगे इस बात के ऊपर, लेकिन हकीकत ये है कि चोर जो है अपने साजिश के लिए ये हवा उठा दिए, अफवाह फैला दिए कि सुनामी लहर आ रहा है, लोग घर छोड़ के, कितने चोर कितने जनों के घरों को लूट लिए। उसी दौरान ये हकीकत बात मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, एक वृद्ध आदमी बेचारा इस बाढ़ की चपेट में आकर के वो मर गया था। जिस दिन ये सुनामी लहर का लोगों ने अफवाह फैलाया, उसी दिन रात्रि के समय उस वृद्ध आत्मा की लाश को लेकर के लोग लेके जा रहे थे, उसका स्वयं बेटा उस कंधे पर लाश को लेकर के लेके जा रहा था। लेकिन जब ये अफवाह उठी रात्रि के लगभग 10-11 बजे कि ऐसा ऐसा सुनामी लहर आ रहा है, समुद्री तूफान आ रहा है, तो उस वृद्ध की लाश को लोगों ने छोड़ करके जमीन पर रख करके सब के सब भाग गए। जो उसके जितने चलने वाले उनके यार दोस्त संगी साथी नाते रिश्तेदार सब थे, सब भाग गए, सब तो सब भगे ही, लेकिन जो खुद का उनका पैदा किया हुआ जो बेटा था वो भी अपनी जान बचाने के लिए अपने मरे हुए बाप की लाश को छोड़ करके रास्ते पर भग गया। मेरे दोस्तों आखिरी बोल मैं कवि जी लिख दिए, आखिरी इस मुंबई में अगर हम लोगों को रहना है तो इस मुंबई की सरजमी पर आने के बाद जिस मुंबई से हिम्मत मत हारिए, भागने की कोई कोशिश मत करिएगा। कहना वा कवि जी भाव दिए, पहले से सब कुछ निर्धारित किसका क्या है होना, पहले से सब कुछ निर्धारित किसका क्या है होना, लगा रहेगा यारो इस जीवन में पाना खोना, लेकिन हारा जिन हिम्मतिया डेरा गुरु बिहारी रमन रतन बसे सुरधाम, जे डी बहादुर लक्ष्मी हीरा मंगल का पैगाम, कुदरत के आगे जोर ना कोई, अरे कुदरत के आगे जोर ना कोई, तो जे डी त्रजित हर भेद भाव को त्यागे, कुदरत के आगे जोर ना कोई, अरे जे डी त्रजित हर भेद भाव को त्यागे, कुदरत के आगे जोर ना। क्रोनाल म्यूजिक कंपनी, आप लोगों के दुख में बराबर की सहभागी है। भैया हो चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी तो चलत रहे के चाहिए, जिंदगी रुकले का नाम ना है। जोन भी भइल कुदरत के जोन मंजूर रहल भाई, हम तो यही कहत हैं कि आई सब है पूरी हिम्मत के साथ ये त्रासदी के मुकाबला कर जा, और मुंबई के फिर से पटरी पर ले आओ खातिर जी जान से लग जाए जा। काहे कि हमन बड़े दूर से आए हैं रोजी रोटी के तलाश में, जब मुंबई नहीं रही तो रोटी कहाँ से मिली। तो भैया हिम्मत ना हारे के चाहिए। यही बात पर हमारे मनोज गाजीपुरी एक लोकगीत प्रस्तुत करत बाना। मरल सदर लागे सबही के लेकिन, मरल सदर लागे सबही के लेकिन, खतरा उठावल के ओ
चिराई नगर छोड़ी बनरा के डारी से कभी कभी दिया ना दे घर जरी जाला दा दिया ना जा रहा वाली के ऊ छोड़ी दे भक्तक बनी जला मीतावा ता बहरू लगावल के हूँ छोड़ी दे का मनाई
घर नहीं बाला कभी कभी बीरा भी हर जल राना में कभी कभी बीरा भी हर जल राना में आज आज मारल के हूँ छोड़ी दे जेडी बहा